बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कमलनाथ केंद्रीय मंत्री रहते चीन के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। कमलनाथ को इसका जवाब देना होगा कि चीन के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ पहुंचाया, ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस चीन की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कमलनाथ को चीन का एजेंट करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि चीन के साथ तनातनी के बीच कांग्रेस का रवैया देश विरोधी और चीन को प्रोत्साहित करने वाला क्यों है। इसके पीछे कांग्रेस के नापाक आर्थिक हित हैं, जो चीन के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से चीन से अवैध आर्थिक रिश्ते निर्माण करने का सूत्रधार कोई और नहीं, मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कमलनाथ है। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के कुटुंब विशेष को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वाणिज्य मंत्री रहते कमलनाथ ने देश के साथ जालसाजी और गद्दारी की है। अपनी पावर का भारी दुरुपयोग करते हुए चीन के माल से आयात शुल्क बेहद कम कर दिया गया। यह शुल्क 40 से 200% तक कम किया गया। ऐसी लगभग 250 वस्तुओं पर आयात शुल्क को घटाया गया जिनकी उपलब्धता भारत में प्राचुर मात्र में थी। सोनिया गांधी के परिवार और कमलनाथ की जुगलबंदी ने भारत को पूर्वोत्तर देशों के संगठन RCEP में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया। हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना से, चाइना बॉर्डर्स पर भारत की तनातनी चल रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। भारत के होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद, आज भी उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, हम इतना नहीं समझते कि भारत का भारतीय कभी इस तरह की चाइना की भाषा बोलेगा। तो उसका रहस्योद्घाटन आज हुआ और कल भी हुआ था। अब आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे, भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से, आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया, उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में भाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयात शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटा घटा कर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है। और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कहा सारा घटनाक्रम 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए समझौते के बाद तेजी से आगे बढ़ा।
स्पष्ट है कि कांग्रेस के लोग चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सरकार के विरुद्ध और भारत की सेना के विरुद्ध बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यह कहावत आज की कांग्रेस पर खरी उतरती है, क्योंकि उन्होंने आयात शुल्क के माध्यम से चीन का गंदा पैसा खाया है। यह सारी बातें प्रमाणित हैं और भारत के वाणिज्य मंत्रालय के दस्तावेजों में देखी जा सकती हैं। क्या सुबह मान लीजिए कोई जानकारी जब आए तो उसे नहीं देना चाहिए? देश सबसे बड़ा है और ये चीजें देखिए, क्या मैं आप पे कोई शंका कर सकता हूँ? क्या इतने बड़े मुख्यमंत्री रहे वाणिज्य मंत्री पर कोई शंका कर सकता है? जो भारत के तिरंगे का प्रतिनिधि करता है विदेश में जाकर, क्या उस पर शंका किया जा सकता है? इसलिए चीनी एजेंट कमलनाथ को जवाब देना होगा भारतवासियों को, नहीं तो अपने को चीनी एजेंट घोषित करे और सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी के दरबार में जो पैसे भेजने हैं उसका हिसाब जनता के सामने दें, नहीं तो ये गांव गांव और गली गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं, यही बात मुझे आपसे कहनी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।